बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय साहब श्री कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित सीएम के दावेदार सीएम फेस जो आपके बीच में आपके भाई की तरह आपके बीच में रहने वाले बादल परिवार से सभी जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं, ऐसा फेस आपके बीच में सम्मानित साथियों हमारे बीच में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं, इनके लिए मैं जोरदार तालियों के स्वागत के साथ आप लोगों से अपील करता हूं। भाई तालियां तालियों में कंजूसी होती है, बार बार कहते हैं हम लोग पंजाब के लोगों तालियां बजानी सीख लो, क्योंकि तालियां केवल तीन प्रकार की बजाई जाती हैं। सबसे पहली ताली उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने आपको बैठना चलना खाना पीना सिखाया, ये अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, राज करने का अधिकार दिया, उन महापुरुषों के लिए तालियां, जोरदार तालियां। और दूसरी तालियां उन महिलाओं के लिए जो महिला अपना घर चला करके आपको समाज की सेवा करने की इजाजत प्रदान करती हैं, उन महिलाओं के लिए तालियां। और तीसरी ताली हमारे मुख्य अतिथि मंच पर उपस्थित श्री सुखबीर सिंह बादल जी और जसवीर गढ़ी जी, इनके लिए तालियां। सम्मानित साथियों मंच पर उपस्थित पूरी बहुजन समाज पार्टी के आगू शिरोमणि अकाली दल के सभी विधायक सभी पदाधिकारी मंच पर उपस्थित बीबीएफ की टीम पुलिस प्रशासन सम्मानित मेरे पत्रकार बंधु भाई सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्ग मातृ शक्ति नौजवान साथी सम्मानित साथियों 20 मिनट लूंगा, केवल 20 मिनट है, उसके बाद पंजाबी का भाषण होगा। श्री सुखबीर सिंह बादल जी आपके बीच में अपनी बात रखने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा, घूम के देख लो कहीं भी चारों तरफ। कांग्रेस ने इतना बुरा हाल देश का किया, दलितों को समय समय पर ठगने का काम, दलितों को समय समय पर हड़पने का काम, सम्मानित साथियों गलत राह पर भटकाने का काम जो कांग्रेस ने किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। सम्मानित साथियों साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि किसी भी पार्टी के सदस्य बन लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक पैसे के कभी सदस्य मत बनना, एक पैसे के सदस्य कांग्रेस पार्टी कभी मत बनना। क्यों कहते थे? क्योंकि इतिहास में जब एक इतिहास गवाह है, हजारों साल से सैकड़ों साल से सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस ने जितने अत्याचार दलितों के ऊपर किए, हमारे महापुरुषों के ऊपर किए, वो आप लोगों को सबको बताए। सम्मानित साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस टाइम पे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के पीए को ताश के गुलाम का पत्ता बनाकर, ताश का गुलाम जानते हो सम्मानित साथियों, जैसे इक्का दुक्का तिक्का नहला दहला होता है और दहले के बाद एक गुलाम का पत्ता आता है, वो कांग्रेस के गुलाम का पत्ता बन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने चुनाव मैदान में उतरा सम्मानित साथियों। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए उन्हीं के पीए को गुलाम का पत्ता बनाकर उनके सामने खड़ा करके बाबा साहब को हराने का काम किया कांग्रेस ने। सम्मानित साथियों ये टीस हम भूल नहीं सकते, ये टीस हमारे दिल में और जहन में दिमाग में बसी है सम्मानित साथियों, ऐसी टीस को हम ऐसे दर्द को भूल नहीं चाह सकते सम्मानित साथियों, हम करा रहे हैं।
कांग्रेस की वजह से दर्द के मारे ये दलित समाज कर्रा रहा है, झुक कर चल रहा है सम्मानित साथियों। उस पीड़ा की वजह से बहुत सारे दर्द ऐसे दिए है सम्मानित साथियों। 52% की आबादी के हिसाब से बैकवर्ड के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 52% की आबादी के हिसाब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब आरक्षण तय किया सम्मानित साथियों, उस टाइम भी एक पिछड़े वर्ग का गुलाम का पत्ता बाबा साहब के सामने विरोध करके खड़ा किया सम्मानित साथियों। और पिछड़े वर्ग का, बैकवर्ड का जो आरक्षण लागू होना था उसमें अवरोध पैदा करने का काम किया, वो रुकवाने का काम किया सम्मानित साथियों। और महिला कोड बिल जिस समय पास करने का टाइम आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को जिस समय लोकसभा में महिला कोड बिल को महिलाओं के अधिकार के लिए उस कोड बिल को पेश करने का काम किया सम्मानित साथियों, उस समय भी गुलाम का पत्ता बना करके कांग्रेस ने दलित और पिछड़े व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने खड़ा किया सम्मानित साथियों, उसका विरोध पैदा करने का काम किया। और बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चिल्लाते रहे, वो कहते रहे कि भाई ये महिला कोड बिल है, महिलाओं के अधिकार का बिल है, महिलाओं को अधिकार देने का काम करो, लेकिन पास नहीं होने दिया। और सम्मानित साथियों, इसी से खिन होकर, दुखी होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकसभा में इस्तीफा देने का काम किया सम्मानित साथियों। कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, किससे खिन होकर? कांग्रेस से। कौन था बीच में हमारा दुश्मन? कांग्रेस। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब से उस समय से लड़ाई चली हुई है सम्मानित साथियों। और जनसंघ के लोग उनका साथ देने का काम करते थे सम्मानित साथियों, आरएसएस के लोग उनका साथ देने का काम करते थे सम्मानित साथियों। और माननीय साहब कांशीराम जी ने जब पिछड़ों की लड़ाई 1977 में लड़ने का काम किया, और 1984 तक जब भूम बनाने का काम किया, यहाँ से पंजाब से उठकर बाबा साहब कांशीराम जी ने जब बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और 84 तक उस लड़ाई को भूम बनाने का काम किया सम्मानित साथियों, तो 84 में इंदिरा गांधी ने पंजाब के ऊपर हमला करवा करके उस लड़ाई को दबाने का काम किया सम्मानित साथियों। सबसे बड़ा हमला अगर किसी सरकार ने किया है, सबसे बड़ा पंजाब के ऊपर कोई जुल्म अगर किसी सरकार ने किया है, वो कांग्रेस सरकार ने किया सम्मानित साथियों। आप लोग अनभिज्ञ नहीं हो। 1984 में बैकवर्ड के लिए जो आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम माननीय साहब श्री कांशीराम जी कर रहे थे, उसको दबाने के लिए हमारे सामने कौन खड़ा हुआ सम्मानित साथियों? वो कांग्रेस थी सम्मानित साथियों। कौन दुश्मन था हमारे सामने? राजनीतिक दुश्मन अगर कोई शुरू से अब तक है, वो कांग्रेस है सम्मानित साथियों। और उसके बाद 89 में जब बहुजन समाज पार्टी के 3 MP जीत करके आए, उसमें बहन कुमारी मायावती जी भी बिजनौर से जीत करके आई, और साहब भी उस टाइम पे MP थे सम्मानित साथियों, साहब MP नहीं थे लेकिन 3 MP जीत करके आए सम्मानित साथियों 89 में। और 89 में जब 3 MP जीत करके आए और बीपी सिंह की सरकार बननी थी, तो बीपी किसिंग की सरकार सम्मानित साथियों तब बननी थी जब बहुजन समाज पार्टी के 3 MP उसमें शामिल हो जाते। और हमारी शर्त ये थी, साहब की शर्त ये थी कि माननीय साहब कांशीराम जी ने एक शर्त रखी बीपी सिंह के सामने कि हमारी शर्त मान लो, हम आपको समर्थन देंगे। बीपी सिंह जी ने कहा आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए? हम आपको राष्ट्रपति पद बनवा देंगे, हम आपको कोई मंत्रालय दे देंगे। साहब ने कहा हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए, हमारी कुछ शर्तें हैं। साहब बताओ आपकी क्या शर्तें हैं? हमारी शर्तें, पहली शर्त है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का दर्जा उस टाइम मिला था सम्मानित साथियों। ये भारत रत्न का दर्जा उस टाइम पे मिला था जब साहब कांशीराम जी ने ये मुद्दा उठाया सम्मानित साथियों। और दूसरी शर्त बैकवर्ड के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो 27% कोटा, 27% का आरक्षण कोटा पिछड़ों के लिए तय हुआ है, वो बैकवर्ड के लिए एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए सम्मानित साथियों, ये उस टाइम पे तय हुआ था, ये आप सबको पता है। और सम्मानित साथियों, उसमें अवरोध किसने पैदा किया? उस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो गई, जब उन्होंने देखा कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांशीराम जी ने लागू करवाने का काम कर दिया, अब बैकवर्ड के लोग, पिछड़े लोग और दलित लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और भारत पर शासन करने का काम करेंगे, तब कांग्रेस ने और
भाजपा ने दोनों ने एक होकर के दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचने का काम किया और उसको दबाने के लिए सम्मानित साथी इस मुद्दे को दबाने के लिए बैकवर्ड को मुद्दों को दबाने के लिए एक करमंडल यात्रा शुरू कर दी। करमंडल यात्रा शुरू कर दी, बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ दिया और बाबरी मस्जिद में के मुद्दे में एक बैकवर्ड के व्यक्ति को श्री कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे उनको गुलाम का तास का गुलाम का पत्ता बना करके आगे मोहरा बना करके खड़ा कर दिया सम्मानित साथियों। और पूरा बैकवर्ड उनके साथ, उन्होंने सोचा भाई मंदिर से बहुत कुछ सब कुछ मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि मंदिर गलत है, मंदिर में आस्था है, मंदिर में आस्था होनी चाहिए, मस्जिद में आस्था होनी चाहिए, गुरुद्वारे में आस्था होनी चाहिए, लेकिन सम्मानित साथियों आडंबर करके और दलितों को पीड़ित करके या किसी समाज को पीड़ित करके या किसी का अधिकार छीन करके मंदिर बनाना उचित नहीं है सम्मानित साथियों। उसके बाद जब बहन कुमारी मायावती जी की 1995 में सरकार आई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये जो 27% आरक्षण पिछड़ों का है वो सबसे पहले लागू करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था सम्मानित साथियों, ये आपको पता है, मालूम है सबको। इसलिए आज तक जितने भी कार्य राजनीति में जितने भी अवसर हमको मिले हैं, समय समय पर जितने अवसर मिले हैं समाज को उभारने के, बैकवर्ड को उभारने के, सर्वे समाज के गरीब भाइयों के लिए उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, सम्मानित साथियों जितने भी मौके बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं सम्मानित साथियों उसमें केवल एक ही अवरोध आया है वो थी कांग्रेस पार्टी। दुश्मन कौन हुआ हमारा कौन दुश्मन हुआ? आज पंजाब के अंदर दलित मुख्यमंत्री देकर एक तांस के पत्ते का गुलाम देकर के, एक तांस के पत्ते का गुलाम बिठा करके जो अपनी मर्जी से चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से चपड़ासी को कहीं कुर्सी नहीं दे सकता, अपनी मर्जी से किसी अधिकारी को नहीं बिठा सकता, अपनी मर्जी से वो अपनी सिक्योरिटी तय नहीं कर सकता, सम्मानित साथियों ऐसे दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस के तांस के पत्ते के गुलाम को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं मानते। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री, हमें बहुजन का मुख्यमंत्री चाहिए जो बहुजन समाज को अधिकार दिलाने का काम करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चन्नी से कोई विरोध नहीं है, हमें चन्नी से कोई विरोध नहीं है, हमें विरोध उसकी गुलामी से विरोध है। वो तांस के पत्ते का कांग्रेस का गुलाम एक चन्नी ऐसा बिठा दिया जिस जो रबड़ की मोहर है सम्मानित साथियों, ऐसी रबड़ की मोहर हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वोट इस गठबंधन का, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के गठबंधन का सुखबीर बादल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए सम्मानित साथियों, जो बोल्ड होकर के हमारे लिए आपके लिए फैसले लेने का काम करेगा सम्मानित साथियों। और सम्मानित साथियों ज्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हिंदी में ज्यादा बात आप लोग साथ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपके बीच में, आज तक अपने कैडर में हमने 18 में आए थे यहाँ पे 2018 में, 14 जून 2018 को हम लोग आए थे और उस समय एक भी कैडर का व्यक्ति, उस समय से जितने लोग कैडर में हमारे बैठे हैं, जिन लोगों ने कैडर सुना है, हमारी आवाज से, हमारी जुबान से जो भी निकला है सम्मानित साथियों वो कुदरत ने पूरा किया है। और आज भी इस मंच पे हम घोषणा कर रहे हैं कि ये गठबंधन 80 से ज्यादा सीटें जीतेगा, 80 से ज्यादा। और हमारे बीच में जितने सपने होंगे पूरे होंगे। बहन जी ने जितने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं ना, उसी के